नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी एकेडमी के हमारी आज की क्लास में। और आज जैसा कि तुम सब देख सकते हो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कक्षा 12वीं का फेवरेट सब्जेक्ट जो कि है बिजनेस स्टडीज। और बिजनेस स्टडीज का हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि बात करता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या दुनिया भर के इसमें टॉपिक्स है, सब हम लाइन बाय लाइन देखते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके देन, चैप्टर में आगे बढ़ो उसके पहले मैं आपको देना चाहूंगा चैप्टर का स्ट्रक्चर, कि बेसिकली हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है और इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। तो ये रहा भैया चैप्टर स्ट्रक्चर, आपके सामने पूरा एक चार्ट बन के आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे मीनिंग के बारे में, कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या सारे फीचर्स होते हैं। अपनी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए हम देखने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंस, कि भैया आखिरकार हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है इनका रियल लाइफ में हमको ये क्या क्या काम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है या बस हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इस सवाल का भी मैं आपको जवाब देने वाला हूं। साथ ही साथ उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्योल्स प्रिंसिपल। तो भैया एक बाबा थे हमारे हेनरी फ्योल करके, उन्होंने कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए, वो भी चीजें हमको इसी चैप्टर के अंदर देखनी है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या सारे प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि हमारे टेलर बाबा ने दिए थे, उसको भी हम देखने वाले। और आखिरी में जब हम ये सारी चीजें समझ लेंगे तब हम एक कंपैरिजन ड्रॉ आउट करेंगे, कि भैया जो बाबा टेलर ने बातें कही थी और जो बाबा फ्योल ने बातें की थी उनों में क्या कंपैरिजन है, कौन सा ज्यादा बेटर है या दोनों सेम सेम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले। तो ये है बेसिकली आपका चैप्टर का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें, तो भैया 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं आपके इस चैप्टर में। अब जो बच्चे इसको सेशन 21-22 के लिए देख रहे हैं उनके लिए भैया सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटा दिया है। ठीक है, यानी जो कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्योल है, जिसमें कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, दोनों को हमने कंपेयर किया और बस एक डिफरेंस बिटवीन की टेबल बनती है, उस टॉपिक को सीबीएसई ने आपके सेशन के लिए हटा दिया। अगर हाँ कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसको 22-23 या उसके भी बाद वाले सेशन का देख रहा होगा, तो आपको तब इस टॉपिक हो सकता है पढ़ना पड़े, बट उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, बट जो 21-22 वाले बच्चे हैं उनको लिए भैया ये टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है, बट हाँ नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। आपका हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा समझने में, एक ही पेज का छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया होगा। क्लियर है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए एकदम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें करूंगा, तो मैं अपने लेक्चर्स में ये वाले टॉपिक को इस साल कवर नहीं करने वाला। हम पढ़ेंगे टोटल 5 टॉपिक्स, जिसमें से आज की क्लास का हमारा टारगेट है टोटल 3 टॉपिक देखने का, दैट इज मीनिंग फीचर्स और इंपॉर्टेंस हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। फ्योल के प्रिंसिपल के लिए आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी उसके लिए, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास एक वीडियो और आने वाला। यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम 3 पार्ट में यहाँ पे कवर करने वाले। तो चलो भैया बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो बढ़ते हैं अपन अब सीधा मीनिंग पे अपने, और देखते हैं कि भैया व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो हमारा टॉपिक ही है, जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, कि भैया हमको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बट उसके पहले हमको ये समझना जरूरी है कि भैया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या है। तो अगेन भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप 2 पार्ट में, 2 वर्ड में डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया अपना मैनेजमेंट और एक हो गया हमारा प्रिंसिपल्स। ठीक है, किसी भी बड़े काम को हम छोटे काम में करते हैं, ठीक है, उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमारे लिए उसको समझना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। सिंपली हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, स्मॉल मिलाते जाएंगे और लार्ज बनाते जाएंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझने के पहले सबसे पहले ये समझो कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है भैया, तो प्रिंसिपल इज अ बेसिक आइडिया और अ रूल दैट एक्सप्लेन्स और कंट्रोल्स हाउ समथिंग हैपेंस और वर्क्स। तो प्रिंसिपल क्या है भैया, एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, एक बेसिक आइडिया या ऐसा बेसिक रूल है जो बताता है कि जो भी चीजें हैं वो किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो या वो चीजें किस तरीके से काम करती है। जैसे एक प्रिंसिपल में अगर आपको बताऊं, कोई स्टूडेंट है जो दिन में 2 घंटा पढ़ रहा है, उसी के अलावा एक दूसरा स्टूडेंट है उसी का फ्रेंड जो दिन में 8 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ने वाले कोई कम आ रहे हैं। तो यहां से मैं एक प्रिंसिपल निकाल सकता हूं कि भैया जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उसके उतने ज्यादा नंबर आएंगे। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, एक बेसिक आइडिया हो गया भैया, जो मैंने 2 इंडिविजुअल को देखते हुए लगाया कि भैया जो कम पढ़ रहा है उसके कम नंबर आ रहे हैं, जो ज्यादा पढ़ रहा है उसके ज्यादा नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, कुछ नहीं है, एक बस बेसिक आइडिया जो बताता है कि चीजें किस तरीके से काम करती है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल बिहाइंड स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एग्जाम इज रेगुलर रिविजन। अब ये देखो ये क्या है, द प्रिंसिपल बिहाइंड स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एग्जाम्स इज रेगुलर रिविजन। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि क्या बता रहा है, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ को बता रहा है, यानी सच्चाई को बता रहा है। ठीक है, सच्चाई को बता रहा है, क्या सच्चाई को बता रहा है, कि भैया जितने ज्यादा बार आप रिविजन करोगे, जितना रेगुलर रिविजन आप करोगे,
आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो भैया बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा हम रिविजन करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे मार्क्स आने वाले हैं। एक और प्रिंसिपल के बारे में अगर मैं बात करूँ कि भैया अगर तुम चोरी करोगे, ठीक है, अगर तुम चोरी करोगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप चोरी करोगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, अगर हम चोरी करेंगे तो हमको यहाँ पे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये क्या बता रहे हैं, आपने एक एक्शन किया उसका क्या रिएक्शन निकल गया है? कमॉन, क्या आपने क्या एक्शन किया उसका क्या रिलेशन निकल गया, इसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट। भैया आपने क्या किया और उसका अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो क्या निकल के आया, वही जो स्टेटमेंट इस चीज को बता दे वही क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है बिल्कुल इजी वे में। नेक्स्ट समझते हैं अपन मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट क्या है। तो भैया मैनेजमेंट समझने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी चैप्टर वन में अच्छी तरीके से समझा है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सेट टारगेट होता है, एम होता है, गोल होता है, उसको हम अचीव करते हैं कैसे, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी, यानी टाइम पे हम अचीव करते हैं और बिना रिसोर्सेस को ज्यादा वेस्ट करते हुए हम अचीव करते हैं अपने गोल्स को। क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट के बारे में बात की। क्या पहला था हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रिंसिपल भैया फंडामेंटल ट्रूथ है, यानी सच्चाई है, जो क्या बताता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशन के बारे में बताता है। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट भैया एक प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, तो भैया इन्हीं दो चीजों को अगर आप आपस में क्लब कर दो, ठीक है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को आपस में मिला दो तो आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल रूल्स एंड रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन यानी जनरल गाइडलाइन, यानी हम रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर के पास कभी जाते तो डॉक्टर हमको रिकमेंडेशन बताता है कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये दवाई ले लो जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या वो दवाइयां लेना जरूरी है? नहीं सर, जरूरी नहीं है। डॉक्टर ने हमको दिया रिकमेंडेशन, हमको जीने की इच्छा ही नहीं, हमको मरना है तो दवाई मत लो, ठीक है। बट डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पे उन दवाइयों को रिकमेंड करते हैं कि भैया आप ये दवाई खाओगे या ये ऑपरेशन करवाओगे तो इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। लाइकवाइज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी क्या है, रिकमेंडेशन है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को या आप ये बातें फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, उसको आप अपने अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे सारे लेवल्स पे, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से, एकदम मक्खन की तरह यहाँ पे चलने वाला है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एक बार फिर से देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल रूल्स एंड रिकमेंडेशन, जिसको हम जनरल गाइडलाइंस भी बोल सकते हैं, दैट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजर्स एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द बिजनेस फर्म। क्लियर है? फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द बिजनेस फर्म। तो यही होता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल। क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल? जनरल गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या रिकमेंडेशन है, जो अगर आप अपने बिजनेस पे हर लेवल पे लगाओगे, हर लेवल मतलब तीन लेवल हमने देखे थे, टॉप मिडिल लोअर, कौन कौन से, टॉप मिडिल लोअर। तो अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपने तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में लगाओगे तो आपका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो आपका बिजनेस है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे स्मूथली रन होने वाला है। क्लियर है? कोई भी डाउट बच्चा इसमें, अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बिल्कुल से यहाँ पे डाउट पूछ लेना, शर्माने की कोई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे हो गया, हमने देखा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बात करता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो कि बात करता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। भैया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर क्या है, तो कुछ फीचर्स आपके सामने यहाँ पे लिस्ट डाउन है। उसमें सबसे पहला है भैया यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब इसको आपने और भी दूसरे नाम से जानते होंगे, परवेसिव, ठीक है, परवेसिव या यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब क्या, जो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, आपको कोई भी चीज मैनेज करनी है तो वो आपके हर जगह पे अप्लाई होंगे। आप अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। कैसे? टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको पढ़ाई का समय नहीं मिलता, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है। तो आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को उठा के आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। आपको एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, छोटे तेरे बर्थडे आया, आपको बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसमें भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं। प्लेस कहाँ होगी, मेन्यू क्या होगा, ठीक है, कितने लोग को इन्वाइट करना है, कौन से गाने पे कौन डांस करेगा, दुनिया भर की चीजें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। जरूरी नहीं कि भैया बिजनेस पे ही अप्लाई हो, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई हो सकता है। आपको छोटा मोटा कार्यक्रम करवाना है उसमें भी मैनेजमेंट आपको यहाँ पे काम आने वाला है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको काम आने वाले। क्लियर हो गया पहला पॉइंट कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल या इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। दूसरा, ये जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इनको फॉलो कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल गाइडलाइन से फॉलो करना है, करो, आपके बिजनेस में वो चीज आ रही उसके रिगार्डिंग ये रूल है, आप फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। क्लियर है? तीसरा, ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। हमने ऑलरेडी देख लिया कि भैया हम क्या करेंगे, हम क्या एक्शन लेंगे तो जिसका क्या रिएक्शन यहाँ पे हमको आने वाला है, हम कैसा काम करेंगे तो उसका कैसा हमको इफेक्ट दिखने वाला है। यहाँ पे अगर हमको रिक्वायरमेंट नहीं और हमने बिजनेस में हद से ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवा लिया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, रॉ मटेरियल्स हमारी वेस्ट होने चालू हो जाएंगे। क्लियर है? और अगर हमको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, हमको बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल ही बहुत कम है, तो उसका क्या इफेक्ट यहाँ पे आएगा, हम अपना ऑर्डर जो है टाइम पे फुलफिल
नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमको यही बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि भैया आप कैसा काम करोगे उसका क्या आपको रिएक्शन निकल के आने वाला है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट अपना फोर्थ पॉइंट कंटिंजेंट, ठीक है। कंटिंजेंट यानी भैया ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं। अगर आपके पर्टिकुलर बिजनेस में वो वाली सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हो रही है जहां पे आपको एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाना पड़ रहा हो, उस केस में आप क्या करोगे, उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे क्या? नहीं करोगे सर। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पे हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है। एक क्या है भैया, बहुत बड़ी कंपनी है जहां पे हजारों इंप्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी की कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटी फर्म है, ठीक है। मान लो ये हो गई हमारी कंपनी और ये हो गया हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लियर। अब कंपनी में जहां हजारों इंप्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हजारों इंप्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इन हजार इंप्लॉइज के बीच में भैया यूनिटी टीम वर्क बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कंपनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। तो हमको इस कंपनी में क्या करना है, टीम वर्क लगा के रखना है, ठीक है, प्रॉपर यूनिटी मेंटेन रहे। वेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप में मुझे बताओ, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा है, वहां आपको टीम वर्क की जरूरत है क्या? नहीं सर, वहां तो टीम ही नहीं है, तो टीम वर्क की हमको कोई जरूरत नहीं। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, कंटिंजेंट है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको सिचुएशन है कि भैया आपको टीम वर्क की जरूरत है, टीम वर्क करने की कोशिश करो। टीम वर्क की सोल प्रोप्राइटरशिप में जरूरत ही नहीं है, तो भैया मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, क्लियर है। हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं आगे वाली नेक्स्ट क्लास में वही देखने वाले हैं। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो रातों रात बन के नहीं आ गए, इसको बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, इसको अलग अलग कंपनीज में फॉर्म्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगा के देखा गया, और जब उनके बाद उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है, प्लान को अपने लगाने के बाद, अपने प्रिंसिपल्स को लगाने के बाद जब उनको पॉजिटिव आउटकम मिला है, तभी हम अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम सजेस्ट करते। तो ये क्या, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी रातों रात हमने यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं बना दिया। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है इसको प्रॉपरली इसको टेस्ट किया गया अच्छे से, और इसमें जब पॉजिटिव रिजल्ट निकले तब हम आप दूसरे लोगों को यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट भैया फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अगर आपको आपकी कंपनी में किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल की जरूरत है तब आप उसको अप्लाई करोगे, जहां नहीं है तो अप्लाई नहीं करोगे, यानी सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हो, पूरा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आपको लग रहा है कि भैया ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए ज्यादा मंगवाओ, कम रॉ मटेरियल चाहिए कम रॉ मटेरियल मंगवाओ, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है आपकी नीड के हिसाब से। तो सेम वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी क्या है भैया, आपकी नीड के हिसाब से आप इसको अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। नीड है अप्लाई करो, नीड नहीं है मत अप्लाई करो, सिंपल। ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल वाला भी पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आपका आखिरी पॉइंट, दैट इज मेनली बिहेवियरल, ठीक है। यानी ये क्या करता है भैया, जो इंप्लॉयर और इंप्लॉइज हैं, ठीक है, क्या क्या हर एक कंपनी में जो इंप्लॉयर है और इंप्लॉइज है उन दोनों के बिहेवियर को समझता है, उन दोनों के बिहेवियर को समझता है, मन की बात को, दिल की धड़कन को समझता है, और दोनों को मिलाने की कोशिश करता है। वरना समझो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बॉस और इंप्लॉइज की बनती नहीं है, तो क्या काम प्रॉपरली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां बॉस और इंप्लॉइज दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो फर्म और वो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यही है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये इंप्लॉयर्स और इंप्लॉई के रिलेशनशिप को बिल्ड करने में डेवलप करते हैं, उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, और उन दोनों के बीच में एक नेक्सस, ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड बिठाने की यहाँ पे ये कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। टोटल कितने फीचर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 फीचर्स हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। अब आपको इसको याद रखना है, तो ये रहा भैया आपके सामने इन फीचर्स को याद रखने का ज्ञान मंत्र। ज्ञान मंत्र क्या है सर, UGCCFM, क्या क्या, UGCCFM, एक बार और UGCCFM, एक और बार जोर से भैया UGCCFM, फिर से बोले क्या, UG, ओके। अब यू से क्या है भैया, यू मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जी मतलब भैया जनरल गाइडलाइन, सी मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक और सी मतलब कंटिंजेंट, एफ मतलब फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, एफ मतलब फ्लेक्सिबल, और लास्ट में एम हमारा मेनली बिहेवियरल। तो इससे आपको याद हो जाएगा UGCCFM, क्लियर है। आई होप आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक आपके सामने, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब हम देखने वाले हैं कि भैया ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो हमने पढ़ा, इसके फीचर्स देखे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमको क्या काम आते हैं, हम इतना टाइम लगा के इसको पढ़ रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले भैया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन
प्रॉपर अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्या बोला तूने, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाने से आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे, यानी जो भी रिसोर्सेज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज होंगे, उनमें वेस्टेज बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, कम इनपुट पे आप ज्यादा आउटपुट यहाँ पे दे पाओगे, कब, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लगा के, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन कौन सा काम यहाँ पे कर रहा है, किसी ने कुछ गड़बड़ी कर दी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ गड़बड़ी हो गई तो उस गड़बड़ी के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो इससे जो हमारे रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉपरली यूटिलाइज यहाँ पे हो जाएंगे, जब सारा काम एकदम स्मूथ तरीके से चलेगा तो वेस्टेज यहाँ पे बहुत ही कम से कम हो जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है भैया प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट, भैया जो मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, उनको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करता है भैया, यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड करता है, यूजफुल इनसाइट मतलब आखिरकार उनकी कंपनी में चल क्या रहा है, ठीक है, आखिरकार उनकी कंपनी में क्या चल रहा है, पल पल की खबर उनको मैनेजमेंट प्रिंसिपल से यहाँ पे मिल जाती है, अगर कोई काम प्रॉपरली नहीं हुआ तो यानी कहीं ना कहीं कमी है, वो क्यों कमी है, किसके कारण कमी है, तो भैया ये हमको पता चल जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करने से कि हमने ऐसा ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, आपने ये चीजें फॉलो नहीं की, किसकी गलती है, क्या है, गलती क्यों आई है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पता चल जाती है। थर्ड, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट नीड्स, ठीक है, अब आपको पता है कि भैया जो बिजनेस है बहुत ही ज्यादा डायनामिक है, आए दिन कुछ ना कुछ बिजनेस में रिवॉल्यूशन आते रहता है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहती है, एक सिंपल समय अगर मोबाइल फोन के बारे में एक बात करूं तो देख लो पिछले 10 साल में मोबाइल फोन कितनी तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है, कीपैड से हम टच वाले में आए, स्मार्टफोन में आए, बड़ी स्क्रीन छोटी स्क्रीन, एक कैमरा, चार कैमरा, दो स्पीकर, अब फोल्डेबल फोन्स भी आने लगे, कितने सारे फीचर्स भैया हमको आज की डेट में मोबाइल में मिल जा रहे हैं, टाइम देखना है घड़ी की जरूरत नहीं मोबाइल में हम देख सकते हैं, कैलकुलेटर की कुछ खास जरूरत नहीं मोबाइल में कैलकुलेटर ऑलरेडी है, किसी से बात करना है तो भैया फोन के थ्रू हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, लैंडलाइन वाले फोन की अब कोई जरूरत नहीं, मोबाइल फोन नहीं देखो कितनी सारी हमारी जरूरतों को पूरा कर दिया, तो इससे आपको यह समझ में आता है कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस का जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस आते जा रहे हैं, और उन चेंजेस के आपको साथ में चलना है, क्योंकि अगर उन चेंजेस को आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे आप हो जाओगे मार्केट से बाहर, रेस से बाहर हो जाओगे, अगर रेस से बाहर नहीं होना चाहते हो, एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस चल रहे हैं उनको कंप्लीटली आप फुलफिल करना चाहते हो तो भैया इसके लिए आपको हेल्प लगेगी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, अब ये क्या पॉइंट है भैया, तो सोचो ये पॉइंट आपका है इंप्लॉई से रिलेटेड, कोई भी इंप्लॉई, ठीक है, जो किसी बिजनेस में जाता है, किसी कंपनी में काम करने जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो सैलरी के लिए नहीं जाता है, सैलरी के लिए तो जाता ही है, बट सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए जाता है क्या, नहीं सर, वो चाहता है कि उसका कुछ ना कुछ पर्सनल डेवलपमेंट भी हो, वो कुछ नए चार स्किल सीखे, ठीक है, अगर वो कम्युनिकेशन में उसकी कमी है कम्युनिकेशन करना सीख जाए, कुछ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो उसको चलाना नहीं आता उसमें या वो एकदम परफेक्ट मास्टर नहीं है वो सारी चीजें सीख जाए, तो वो सीखेगा कैसे, जब उसकी कंपनी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है, उसको एजुकेट करेगी, उसको रिसर्च करने का मौका देगी कि भैया आपको इस चीज के बारे में नहीं पता इसके बारे में रिसर्च करो, हम आपको जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए हम देंगे, आप उस चीज को रिसर्च करो, तो इससे क्या होता है जो इंप्लॉई है उसका भी पर्सनल यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट भैया साइंटिफिक डिसीजंस, साइंटिफिक डिसीजंस मतलब क्या, नॉर्मल तो हम कोई भी डिसीजन लेते ही हैं बट साइंटिफिक डिसीजन क्या, साइंटिफिक डिसीजन मतलब जब हम किसी चीज को, जब हम पर्टिकुलर सिचुएशन को प्रॉपर एनालाइज करके, ठीक है, जब हम किसी सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करके सारे उसके इन एंड आउट्स देख के हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो होता है हमारे साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है, वरना डिसीजन तो हम तुरंत 2 मिनट में भी ले सकते हैं कि भैया ये काम है अच्छा ऐसे कर दो जो होगा देखा जाएगा, बट वो हमारा नॉर्मल डिसीजन हुआ, साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को एकदम खोल के पूरा अंदर बाहर उसको स्टडी करना और देखना कि भैया हम अगर इस सिचुएशन में ऐसा काम करेंगे तो क्या इसका आउटकम निकल के आएगा, उसको बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन। तो हमको मैनेजमेंट में अगर कोई भी डिसीजन लेना है और हमारा डिसीजन जो है वो फेल ना हो जाए उसके लिए हमको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट, आपको भी पता है बिजनेस जो है हमारी सोसाइटी में काम करता है और सोसाइटी की भी कुछ यहाँ पे जरूरतें होती है, कुछ उनकी नीड्स होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हीं को फुलफिल करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब कोई मैनेजमेंट या कोई भी कंपनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो भैया साथ साथ में वो ये भी ध्यान रखती है कि जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको फुलफिल करे, उनके यहाँ जो भी इंप्लॉयज है उनको वो एडिक्वेट सैलरी दे, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे जिससे उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, मार्केट में लोगों को क्वालिटी गुड्स चाहिए चीप प्राइस में वो भी उनको करके दे, तो ये जो होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आपकी फुलफिल हो जाती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को जब आप इंप्लीमेंट करते हो अपने बिजनेस में तब। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ऊपर अपन ने इतनी सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े, क्या इतने सारे पॉइंट्स पढ़े कि भैया
प्रॉपर यूज हो रहा है हमारे रिसोर्सेस का, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। हमको मैनेजमेंट में एकदम पल पल की खबर मिल रही है कि कौन इम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, कौन इम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मार्केट में जो भी बाहर चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ हम कदम से कदम मिला के यहाँ पे चल पा रहे हैं, ठीक है। इम्प्लॉयज का हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, उनको हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे ही लिए यूजफुल यहाँ पे होते जा रहा है। डिसीजन हम स्ट्रांगली और बहुत ही अच्छी तरीके से ले पा रहे हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को भी हम फुलफिल कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें जब हम कर रहे हैं तो इससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मुझे बताओ अच्छी तरीके से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो यही एक और इंपॉर्टेंस यहाँ पे निकल के आ जाता है कि जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से अप्लाई करते हैं तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा ओवरऑल बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ही इफेक्टिव यानी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है? इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, कोई भी डाउट है क्या? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब इसको याद कैसे करें पॉइंट को? तो अगेन ये रहा भैया आपके लिए यहाँ पे ज्ञान मंत्र। ज्ञान मंत्र क्या है भैया? तो ज्ञान मंत्र है ओपीएम्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या? ओपीएम्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओ मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पी मतलब प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट, एम मतलब मीटिंग चेंज एनवायरनमेंट नीड्स, एम मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फिर साइंटिफिक डिसीजन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या हो गया? ओपीएम्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, या आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ओपी डबल एम डबल एस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या? ओपी डबल एम डबल एस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। एक बार और, ओपी डबल एम डबल एस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। जोर से बोलो, ठीक है। तो इसी के साथ भैया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है बाबा हेनरी फियोल के बारे में। ये कौन थे भैया और इन्होंने क्या सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए, ये टॉपिक बनता है हमारी नेक्स्ट क्लास का, क्योंकि इस क्लास का जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये वीडियो जरूर जरूर से पक्का मिलने वाली है, हेनरी फियोल की बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाली है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय टाटा गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में हमारे हेनरी फियोल के टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।